राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। सर्दी का मौसम है और हमारे खेतों में बहुत पालक हुआ पड़ा है, तो साग और पालक की सब्जी तो बहुत बार बनाए हैं। आज हम आप लोग का साथ शेयर करेंगे पालक के पराठे। तो चलते हैं बनाने। खेत से हमने पालक ले लिया है। ये देखिए, हम खेत से पालक लेके आए हैं और इसका खाली पत्ते पत्ते हम तोड़ेंगे। हमें बनाना है पालक के पराठे। हम लकड़ी जलाने जा रहे हैं। हाँ, चूल्हा जला दो फटाफट जल्दी। देखिए दोस्तों, हम चूल्हा जलाने जा रहे हैं। आप मत बोलिएगा काम नहीं करते हैं आप। आज बिल्कुल अलग तरीके से पराठे बनाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल हटके और बिल्कुल पालक का पराठा आपको देखते ही ना लार टपक जाएगा। तो इस तरह से हमें खाली पत्ते पत्ते तोड़ने हैं। ये देखिए, डंठल बिल्कुल ही नहीं चाहिए, खाली हमें पत्ते पत्ते चाहिए इस तरह से। ये देखिए, और अगर अंदर मुलायम पत्ते हैं तो इसको भी तोड़ दें। ये देखिए, और इस तरह से सारे पत्ते तोड़ के हम रखते जाएंगे और इसको एकदम बारीक बारीक काटेंगे। इसी तरह से हम सारे पत्ते तोड़ देंगे डंठल को छांट के। इसको एकदम लूज मत करना, टाइट रखना। हाँ, टाइट ही गूंदना। नमक ही डाल दी ना बस। ये देखो भाइयों, सारे मसाले। एक दिन आपको मसालों के सीक्रेट दिखाएंगे सारे। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सारे मसाले दिखाएं अपने, कौन कौन से मसाले यूज करते हैं। ये मसाला किसी कंपनी का नहीं है। हम लोग प्योर लाल मिर्च, साबुत धनिया, साबुत हल्दी सारा खरीद के सुखा के और इसको पिसवाते हैं घर पे। जो भी हमारे खेत का देसी सामान होता है, जैसे कि अगर मिर्ची का पौधा उगा रखे तो उसमें लाल मिर्च निकल गई तो लाल मिर्च पाउडर बना ली, और हल्दी हमने अभी बो रखी है, कभी आपको टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे, और धनिया हमारे को इसमें मिल जाता है। धनिया में से धनिया खेत में हो जाता है हम लोग। तो सारी चीजें हमारी खेत में से मिल जाती है। सारी चीजें नहीं, लगभग जीरा हम लोग नहीं बोते हैं। जीरा हम लोग नहीं बोते हैं और बाकी गरम मसाला नहीं बोते हैं। गरम मसाला नहीं, मोटा मोटी जो हल्दी जो ज्यादा यूज होता है वो बोते हैं हम लोग। क्या होता है इस मिट्टी पे? हल्दी वहाँ बोई हूँ, अभी ये एक साल का हो गया है, इसका पत्ता सब गिर गया है और उसको हमने उठाए हैं। अभी अगले साल फिर पता देगा, फिर होगा। एक ठो जड़ में 1 kg हल्दी। हल्दी तो हम लोग किसी वीडियो में दिखा रखे हैं अपने लोगों को, वहाँ पे दिखाए थे। ऐसा कहेंगे ना, धनिया भी मिल जाएगा। मेथी दिखा रखे हैं हम लोग, धनिया भी दिखा रखे हैं भाई। धनिया भी लोगों को दिखा रखे हैं पौधा। देखिए, हमने सारे पत्ते तोड़ दिए हैं और इसको हम बारीक बारीक काटेंगे, और एक बार नहीं दो दो बार काटेंगे इसको। तो इसको पहले बार आपको काट के दिखा रहे हैं एकदम, क्योंकि बारीक होना चाहिए। अपने अंदर खुशियाँ मनाओ, उसके बाद खाना पकाओ। देखो दोस्तों, कितना मैं काम करती हूँ। ओहो, हमें बड़ी मस्त आग जला लिया यार। लिया और देख आपके साथ में क्या है। ओहो, मूंगफली भी रख रखी हो। आओ भाई खिलाओ। करो ना, जल्दी जल्दी करो लो। अच्छे से करो भाई, काम करो जल्दी। जी मैडम, कैसा फील हो रहा है? ये देखिए, हम पालक को बारीक बारीक काट दिए हैं। अब इसको 3-4 पानी धो लेंगे, और धोने के बाद पानी बिल्कुल निचोड़ जाएगा, फिर हम पराठा बना के आपको दिखा देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक है। अब इसको हम धो देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गोवा ले आई मैगी भाई, बताना स्वाद कैसा। ठीक है, बिल्कुल फीडबैक ना दीजिए तो खाई दो कहेंगे। आ गई मम्मी मैगी मेरे लिए, देखो। बुआ बुआ हाँ ले लीजिए मैडम, अभी आपके लिए फोक ले आते हैं। ये बिहारी मैगी दोस्तों है, देखिए इसमें डला हुआ है तड़का में तेज पत्ता, जीरा, और इसमें अदरक लहसुन प्याज टमाटर और धनिया पत्ता डाल के एकदम मस्त बनता है बिहारी मैगी। आप लोग बोलिएगा तो ये भी हम शेयर करेंगे। जबरदस्त स्पाइसी है, हमारी जो नंद है ना बहुत स्पाइसी खाती है। तो लेके आएंगे आप कौन मम्मी, आप भाभी लगोगी ना। लखा सुनो, फल दिखाऊं,
सुनोफॉल फायर फॉल है, सुनोफॉल नहीं सुनोफॉल दिखाती हूँ, फायर फॉल है भाई। आई इधर बैठ, इधर आओ, जिसको जिसको देखना है दोस्तों स्नोफॉल देखिए। अच्छा हाँ, जो व्हाइट वाले हैं हल्के हैं, ऊपर हवा में उड़ गए ना सारे। अच्छा दिखा रहे बिहार में स्नोफॉल करवा दी ना। बिहार में बर्फ गिरी है इस बार, है ना मम्मी? देखिए दोस्तों आइए ध्यान से देखिए, मतलब दिखा दोस्तों, दोबारा दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए जो व्हाइट व्हाइट देखा है ऊपर की तरफ कितना निकल रहा है। बेटे कपड़े पे पड़ जाता है, देख हाथ पे पड़ गया ना पूरा, साफ करो बैठ के स्नोफॉल। हाजी तो चलिए चलते हैं पराठे बनाने, तो हम पेंदा काट देते हैं। इसको बेल देते हैं और दोनों रोटी को हम बराबर ही बेलेंगे, क्योंकि हमें दोस्ती की तरह इसको चिपकाना है, परथन लगा लगा के, और ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलेंगे, पतली बेलेंगे। एक रोटी हम बेल दिए, दूसरे तरफ बेटी बेल रही है, तो इस पर हम एक हल्का तेल का लेयर लगाएंगे इस तरह से। लगी चम्मच दे दियो भाई, और इसी पर हम पालक डाल देंगे चारों तरफ, लाल मिर्च डाल के देखते हैं, और इससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन हम हरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा प्याज डाल रहे हैं, ये देखिए फीलिंग के हिसाब से, हल्का हल्का नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आटा में नमक डाल रखा है ऑलरेडी। अब इसको हम ये रोटी को लेकर हम इसी पर चिपकाएंगे इस तरह से, इस तरह से देखा। ये देखिए जो फिलिंग है चारों तरफ से बराबर बैठ जाए, हल्के हाथों से, ये देखिए इस तरह से है। अब आप इससे थोड़ा छोटा और बड़ा जैसे ही बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए चूल्हा जल रहा है और इसी पर हम डालेंगे पराठे अपने। इसे छोटा बनाया जाए कि बड़ा बनाया जाए? मस्त है, मस्त है। एक तरफ से हल्का, एक तरफ से ज्यादा। अब बेलिए हम सेक रहे हैं गर्मा गर्म, ये देखिए दोस्तों एक तरफ से बहुत ही अच्छा सीख चुका है, तो अब हम इस साइड से भी सेकेंगे। इसमें लगाएंगे हम अपना देसी जुगाड़ के साथ, कोई भी तेल या घी लगाएं, मैं यहाँ पर सरसों का तेल लगा रही हूँ, ये घर का पेराया हुआ सरसों का तेल है, तो ये कॉटन कपड़ा है, कॉटन कपड़ा से हम लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, दोनों साइड से सीख के तैयार है। ये देखिए गर्मा गर्म पराठे, आहा जबरदस्त। तो अब इसे हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। डाली डाली एक साइड से हल्का सा पकाएंगे, दूसरे साइड से बढ़िया, और उसके बाद इसमें घी तेल बटर कुछ भी लगा के और सेक दीजिए, तर बदर कर दीजिए। तर बदर करने पे इसका जो स्वाद है ना दोस्तों, बहुत ही गजब का आता है। तो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त हमारा दूसरा भी पराठा सीख के तैयार हो गया है करारा। अब इसे निकाल लेते हैं और फिर और इसी तरह हम सारा पराठा बना देंगे। जो हम क्या करोगे अपन? अरे पालक के जो पराठे बना रहे हैं ना, उसके साथ चटनी बनाएंगे इसका। अरे वाह। और इसी में हरी मिर्च लहसुन
खाएंगे। तो देखिए दोस्तों टमाटर को ना आग डाल देंगे, सिहला जाए भिहला जाए। ये देखिए टमाटर को हम पका लिए हैं, अब इसको छील के पीस देंगे। ये हम इसकी चटनी बना लेते हैं गर्मे गर्म टमाटर की। टमाटर को हम पीस लेते हैं, इसमें डालेंगे 4-5 गाँठ लहसुन और 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर के। ये देखिए हमारे पालक के पराठे के लिए चटनी बन के तैयार हो गया है। ओनली 2। ये रही हमारी एकदम फ्रेश घर की मलाई वाली दही। ये आ चुके हैं गर्मा गर्म पालक के पराठे। गर्मा गर्म पालक के पराठे रेडी है, दही भी आ गई है प्लेट में, खराब जाएगी पेट में। आहा, चटनी भी है। जल्दी जल्दी डालो भैया, पेट में टांडव हो रहा है, चूहे भाग दौड़ मचा रहे हैं। प्याज भी है, अरे प्याज वो छोड़ना, हम पराठा खा के ही पेट भर लेंगे। प्याज कौन खाता है जब गर्मा गर्म पराठा हो, सरसों का तेल वाला। भैया खाना शुरू करते हैं, हमसे इंतजार खत्म हो गई, हदें पार हो गई है सारे। गर्मा गर्म पराठे, ये देखिए दोस्तों एकदम गर्मा गर्म पराठे। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे एकदम पालक के पराठे कितने बढ़िया लग रहे हैं। मेरा तो बड़ा है। हाँ मेरा तो बड़ा है। आहा भाई साहब, हम कहे लेट करें पूरी चटनी। आहा हा जबरदस्त भैया। जितने भी हमारे पराठे के फैन हैं, क्या करना है जल्दी से आ जाओ, नहीं तो पराठा चला जाएगा पेट में। ये देखिए दोस्तों हम एक बाइट बना लिए हैं मजेदार वाला। इस तरीके से पालक का पराठा जरूर बना के खाइएगा दोस्तों, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेड कलर का बटन को दबा दीजिएगा। और क्या करना है, घंटी का आइकन दबाना ना भूले और हमारी वीडियो को शेयर करें, दुनिया में फैला दें, दुनिया में फैला दें, ये प्रिंस का भाषा है। और फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर मंगवाए मैं रखवा दे बता।